आंखों से दिल में उतर कर तू मेरी धड़कन में है। जी हाँ, हर कोई जो भी हमसे प्यार करता है वो आंखों से उतर कर ही हमारे दिल तक जाता है। अगर काले घेरे आ गए हैं आपकी आंखों में तो इसका इलाज हम तुरंत करेंगे। हमारी आंखें खूबसूरत थी, खूबसूरत हैं और खूबसूरत ही रहेंगी, है ना? काली आंखें तभी अच्छी लगती हैं जब उनमें काजल लगा हो। आंखों के बाहर अगर कालक आ जाए तो वो हमारी खूबसूरती को कम कर देती हैं। हे गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ ज्योति और स्वागत करती हूँ आपका ग्लैम पेटल्स में। डार्क सर्कल बहुत ज्यादा हो गए हैं, इसीलिए परेशान हो? बस ये परेशानी फिर से वजह बन रही है डार्क सर्कल की। परेशान तो बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि हर चीज का समाधान है। अगर परेशानी है तो उसका समाधान भी है। बस यही बात है कि परेशानी बिना ढूंढे आ जाती है, समाधान हमें ढूंढना पड़ता है। इन सब का समाधान आराम से आप कर सकते हैं, और घर की चीजों से। जिन्हें बहुत ज्यादा डार्क सर्कल हो रहे हैं, आंखों के नीचे पफिनेस हो जाती है, आंखों में रेडनेस होती है, आंखों में थकान नजर आती है, उनके लिए आज मैं बहुत ही अच्छे समाधान लेकर के आ गई हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, कुछ भी मिस नहीं करना है, क्योंकि मैं एक एक करके समाधान लाऊंगी। और अगर आपने स्किप किया तो कुछ मिस हो सकता है, हमें कुछ भी मिस नहीं करना है बेहतर रिजल्ट पाने के लिए। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डार्क सर्कल्स, आंखों के नीचे जो पफिनेस, जो सूजन आती है, आंखों में जो थकावट हो जाती है, आंखों में जो रेडनेस आ जाती है, वो आखिर होता क्यों है? देखिए, इसकी बहुत सारी वजह हो सकती है, जिनमें से कुछ खास वजह ये है कि आप नींद शायद पूरी नहीं ले रहे हैं। आपको अपनी नींद पूरी करना बहुत जरूरी है। अगर आपको नींद कम आती है या जल्दी नहीं आती है, तो दिन में थोड़ा सा कम सो लीजिए, रात को समय से सोइए। सोने से पहले हल्का सा सॉफ्ट म्यूजिक आप सुन सकते हैं, अपना फेवरेट म्यूजिक, ईयरफोन्स के साथ नहीं, बस बगल में चला दिया और धीरे धीरे उसे सुनते रहें। उसे पूरा फील करते हुए सुनना है, और फिर आप देखिएगा कि आपको नींद आ चुकी है, आपको पता भी नहीं चला कि कब नींद आ गई। दूसरी बात, सोने से जस्ट पहले खाना बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि जब खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है ना, तो भी हमें नींद नहीं आने की प्रॉब्लम होती है। इसीलिए सोने से कम 3 घंटे पहले आपको अपना खाना खा लेना है और थोड़ा सा वॉक कर लेना है, उसके बाद ही आपको सोने के लिए जाना है। इससे आपको 2 बेनिफिट्स होंगे। पहला, आपका खाना सोने से पहले अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा, और दूसरा, खाने के बाद आप जो थोड़ा सा वॉक कर रहे हो ना, उससे आपके शरीर को हल्की सी थकावट महसूस होगी, जिससे कि आपको नींद जल्दी आ जाएगी। अगली चीज जिस पे आपको ध्यान देना है वो है आपका तकिया। तो तकिया आपको बिल्कुल साफ लेना है। पहली बात, गर्मी के टाइम में खास करके तकिया का जो कवर है उसे आप हफ्ते में कम से कम 2 बार जरूर धुलवा लीजिएगा, क्योंकि ज्यादा पसीना आने की वजह से तकिए में जो गंदगी होती है वो भी एक वजह हो सकती है डार्क सर्कल की और पफिनेस की। तो साफ सुथरा कवर वाला तकिया आपको लेना है, और तकिए को बीच बीच में धूप में जरूर डालते रहें, ताकि उनके अंदर अगर किसी तरह की कोई सीलन आ गई है वो सही हो जाए। तकिया ज्यादा मोटा नहीं लेना है, थोड़ा सा पतला लेना है और सॉफ्ट तकिया लेना है। अगली बात जिस पे आपको ध्यान देना है वो ये कि पानी बहुत ज्यादा पीना है आपको। जी हाँ, पानी की वजह से भी आपको डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। तो पानी बहुत ज्यादा ज्यादा पीना है। सारा दिन में कोशिश करें कि बार बार पानी पीते रहें। और हाँ, नारियल का पानी अगर आप सारा दिन में पी पाओ तो बहुत 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 अच्छी बात होगी। ये आपकी बॉडी को अंदर से डिटॉक्सिफाई करेगा, अंदर से क्लीन करेगा। तो अगर ठंड का टाइम है तो आप हफ्ते में 2 या 3 नारियल पानी जरूर पीजिएगा, और अगर गर्मी का टाइम है तो कोशिश करें कि रोज 1 ढाब आप पी लें। सच कहती हूँ, डार्क सर्कल से ही आपको छुटकारा नहीं मिलेगा, आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी, आपको बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति मिलने लग जाएगी। किसी किसी को डार्क सर्कल जेनेटिक भी होते हैं, उनसे भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपना खाना पीना सही रखें, अपनी डाइट सही रखें, अपनी नींद पूरी लें, पानी पूरा पिएं, अपने तकिए को सही तरीके से लेना सीखें, सही समय में सोएं, और कोशिश करें जो गैजेट्स आप रात बिस्तर में ले करके बहुत देर तक देखते देखते ही सोने की आदत डाल चुके हो, उससे थोड़ी सी दूरी बना लें। सोने से करीब आधे घंटे पहले गैजेट्स को गुड नाइट कर दें।
सोते समय जो मैंने म्यूजिक सुनने की बात करी है वो भी आप अपने फोन पे टाइम सेट करके उसे प्ले कर दें, थोड़ी सी दूर रखें और वॉल्यूम बहुत कम रखें और फिर सोएं। लेकिन सोने से पहले जो देर रात तक कुछ लोग बत्ती बुझाने के बाद भी मोबाइल देखते रहते हैं चादर के अंदर घुस के, वो अगर आदत आपको भी है तो उससे दूरी बनाने की कोशिश करें। तो ये सारी वजह थी जो मैंने अभी आपके साथ शेयर करी, इन पे थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिए। इसके अलावा आप कुछ ऐसी घरेलू चीजों का इस्तेमाल करके अपने डार्क सर्कल से छुटकारा पा सकते हैं, अपनी थकी हुई आंखों को आराम दे सकते हैं, अपनी आंखों को हेल्दी बना सकते हैं। क्योंकि हमारी आंखों के आसपास की जो स्किन होती है, जो त्वचा होती है ना, वो बहुत ही पतली होती है हमारी बाकी की स्किन के मुकाबले। हमारी जैसे बाकी की स्किन है चेहरे की या बदन के किसी भी हिस्से की जो स्किन है वो थोड़ी सी मोटी होती है, लेकिन आंखों के आसपास की जो स्किन है ना वो बहुत ही पतली होती है। तो इसीलिए हमारी आंखों का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ती हूँ और आप सबके साथ बहुत ही अच्छी कुछ रेमेडीज शेयर करती हूँ। और हाँ, एक खास बात कहना तो मैं भूल ही गई, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है और रोना तो बिल्कुल भी नहीं है। रोना क्यों है? रोना कमजोरी की निशानी होती है, तो बी स्ट्रांग, बी ब्रेव, बी पॉजिटिव। आंखों को बिल्कुल ना सताएं तो आंखें भी आपको नहीं सताएंगी। अपनी आंखों के काले घेरे को, आंखों की थकावट को, आंखों की सूजन को हम कुछ घरेलू नुस्खों से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 4 स्टेप्स आपके लिए लेकर आई हूँ। इन्हें अगर आप रिलीजियसली फॉलो करेंगे तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स पूरी तरह से दूर हो जाएंगी। सबसे पहले आपको एक आलू लेना है, उसे अच्छी तरह से छील करके धो करके उसका रस हमें निकाल लेना है। यहाँ पर लगभग 1 चम्मच आलू का रस लिया है। 1 चम्मच मैं यहाँ पर ले रही हूँ कच्चा गाय का दूध, कच्चा दूध है ये। 1 चम्मच लगभग मैं ले रही हूँ गुलाब जल। इस पर मैं मिलाऊंगी 1 ही चम्मच हनी यानी कि शहद। एक आखिरी चीज़ हम इसमें और मिलाएंगे, वो है फ्रेश एलोवेरा जेल। जी हाँ, आपको यहाँ पर फ्रेश एलोवेरा जेल ही मिलाना है। इन सभी चीज़ों को मिला करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब ये एक बहुत ही अच्छी रेमेडी तैयार हो गई है। पर इसे आंखों में लगाना कैसे है, इसके लिए कुछ तो ऐसी चीज़ चाहिए। तो हम इसके लिए लेंगे क्यूकम्बर यानी कि खीरा। एकदम फ्रेश ताज़ा खीरा लीजिएगा, उसे आप स्लाइसेस पे कट कर लीजिएगा। मैं इसे थोड़े से लंबे साइड की तरफ कट कर रही हूँ ताकि आंखों को पूरी तरह से कवर कर पाए। 2 पीस 4 पीस जितने पीसेस आपको चाहिए पीसेस वैसे कट कर लीजिए। 1 दिन के हिसाब से तो 2 पीसेस ही काफ़ी होंगे। अब ये जो आपने खीरे के पीसेस लिए है ना, इसे जो हमने तैयार किया हुआ ये जो रेमेडी थी ना उसमें डाल देना है। डाल करके आपको तुरंत इसका इस्तेमाल नहीं करना है, इसे आप रख देंगे फ्रिज में करीब 20 से 25 मिनट के लिए। बढ़ते हैं सेकेंड स्टेप की ओर। इसके लिए हमें चाहिए 2 गुब्बारे यानी कि बलून्स। अब इसके साथ क्या होने वाला है बताती हूँ। इन बलून्स में आपको पानी भर देना है थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में ही मैंने टैप वाटर भर लिया है। पानी भरने के बाद इसे भी आपको रख देना है फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए। इसके अंदर का पानी है ना पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा, तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर 2 चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, बाद में मैं बताऊँगी कि आपको इन सबका इस्तेमाल कैसे करना है। तो बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की ओर। थर्ड स्टेप में आपको चाहिए रोज़ वाटर यानी कि गुलाब जल। लगभग 1 चम्मच आप गुलाब जल लेंगे। नेक्स्ट आपको लेना है 1 चम्मच बादाम का तेल यानी कि आलमंड ऑयल। ये आँखों के लिए बहुत बढ़िया होता है। बादाम का तेल 1 चम्मच डालने के बाद इस पर हम मिलाएंगे एलोवेरा जेल। यहाँ पर फ्रेश एलोवेरा जेल भी लिया जा सकता है, लेकिन अगर मार्केट वाला जेल लेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया क्रीम की तरह बन जाती है। फ्रेश लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, पर वो क्रीम वाले फॉर्म में नहीं आएगी और थोड़ा सा लिक्विड ही रहेगी। तो वैसा अगर चाहे तो वो भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों चीज़ों को जब हमने अच्छी तरह से मिक्स किया ना तो ये बिल्कुल क्रीम की तरह बन चुकी है। अब इसे साफ और सूखे जार में, कांच के शीशे में डाल करके इसे भी आपको फ्रिज में ही रखना है, और जब इस्तेमाल करना है तभी इन्हें आपको फ्रिज से निकालना है और इनका इस्तेमाल करना है। तो ये 3 चीज़ें हमने तैयार कर ली। और एक और जो चीज़ बाकी है वो आपको सुबह उठते ही करना है। वो
आपको लेनी है थोड़ी सी आइस यानी कि बर्फ, उसमें डालना है थोड़ा सा ठंडा पानी, और ये जो ठंडा पानी है ना, इसके साथ आपको सुबह उठकर अपनी आंखों में छींटे मारनी है। गर्मी का टाइम अगर है तो ये आप रोज कर सकते हैं, वरना ये हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर कर लें। ठंडे पानी से छींटे मारने पर ना आपकी आंखों को बहुत ही आराम महसूस होगा। ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में आपको जो वो खीरे आपने तैयार करके रखे थे ना, वो लेने हैं और अपनी आंखों के ऊपर रखने हैं। करीब 15 से 20 मिनट इसे अपनी आंखों के ऊपर ही रहने दें। बहुत ठंडा ठंडा महसूस होगा, बहुत आराम महसूस होगा, आंखों की थकावट बिल्कुल गायब हो जाएगी। ये सेकंड स्टेप था, ये सुबह के टाइम आपको करना है फर्स्ट हाफ। और ये थर्ड स्टेप जो है, ये आपको रात को सोने से पहले करने हैं। रात को सोने से पहले 2 स्टेप्स आपको करने हैं, और ये जो बलून आपने तैयार करके रखा था ना, उसे अपनी आंखों में रखना है और धीरे धीरे इसे घुमाना है चारों तरफ हल्के हाथों से। इसे तो आप करीब 5 से 10 मिनट जरूर कीजिएगा, आपको बहुत आराम महसूस होगा और आपको बहुत अच्छी नींद भी आएगी। ठंडा ठंडा महसूस होगा, आंखों की थकावट दूर हो जाएगी, आंखों की जलन चली जाएगी, आंखों की रेडनेस जाएगी, आंखों में अगर पफिनेस है वो भी चली जाएगी। ये आपने कर लिया। उसके बाद सोने से पहले आपको जो क्रीम आपने तैयार करके रखी थी ना, वो लेनी है और अपनी आंखों के आसपास इसे हल्के हाथों से लगा देना है। हल्का हल्का सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए, मसाज आप 2 से 3 मिनट बिल्कुल हल्के हाथों से ज़रूर करें। आंखों के आसपास हल्का हल्का मसाज करने के बाद इस क्रीम को आप अपने पूरे चेहरे पर भी लगा सकते हैं, और लगाने के बाद इसे वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, इसे लगा रहने दें और आराम से सो जाएं। इन सभी स्टेप्स को आप रिलीजियसली फॉलो करके देखिए, आपकी आंखों से जुड़ी हुई सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इनके अलावा बीच बीच में आप आइस फेशियल भी ज़रूर करें, खास करके गर्मियों के टाइम में बर्फ़ के साथ अगर आप ये फेशियल करते हैं तो आपकी थकी हुई त्वचा को बहुत ही आराम महसूस होगा, त्वचा बिल्कुल तरोताज़ा हो जाएगी, आपकी आंखों की सूजन जाएगी, आंखों को बहुत ठंडक महसूस होगी, आंखों को बहुत ही आराम महसूस होगा। जिस तरह ज़्यादा काम करने की वजह से हमारा शरीर थक जाता है, उसी तरह हमारी आंखें भी थक जाती हैं, तो उनका भी खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अब आपको ये सारी चीजें तो करनी ही है, उसके साथ साथ एक और बहुत जरूरी काम करना है जो मैं आपको दे रही हूँ, वो ये कि आप इस वीडियो को जाने से पहले एक लाइक कर दीजिए और अपनी सभी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिए। खास करके उनके साथ तो जरूर शेयर करें जो गैजेट्स वगैरह देखना बहुत पसंद करते हैं। इसका मतलब तो सीधा साधा यही हुआ कि भैया सबके साथ शेयर करनी है, क्योंकि गैजेट्स के बिना आज के टाइम में कोई रहता नहीं है, सबको ये चाहिए ही चाहिए। तो सभी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं और आपने हमें यहाँ तक देख लिया है, आपने हमारा साथ यहाँ तक दे दिया है, इसका मतलब है आप हमारे परिवार का सदस्य बनना चाहते हैं। उसके लिए आपको कोई खर्च थोड़ी करना है, सिर्फ और सिर्फ ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, उसे प्रेस कर देना है और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देनी है, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट्स आप तक बराबर पहुंचती रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की इन रेमेडीज से आपको कितनी जल्दी फायदे मिले हैं। फायदे तो 100% मिलेंगे, लेकिन किसको कितनी जल्दी फायदे मिले हैं जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे परिवार के बाकी लोगों को भी जिन्होंने अभी तक ये रेमेडीज शुरू नहीं की हैं, उन्हें भी थोड़ी सी अंदर से हिम्मत मिल सके कि हम भी जल्दी से कर लें स्टार्ट और इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पा लें। बाय।